आज हम बात करेंगे एक किस्म की बीमारी जिसका नाम है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। और आज सितंबर 23 इस आरएलएस की अवेयरनेस डे माना जाता है। तो इसमें मैं बताना चाहूंगी कि आरएलएस चीज क्या है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। तो आरएलएस एक ऐसी बीमारी है जो ज्यादातर फीमेल्स में कॉमन है और कुछ लोगों में बिना किसी बीमारी के भी आ सकती है और कुछ में किसी और बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़ है, किडनी प्रॉब्लम, स्पाइन प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम के साथ भी आ सकती है। कुछ लोगों में ये हेरिडिटरी पैटर्न भी फॉलो करती है, जैसे कि कोई ना कोई फैमिली में इसके साथ इनको भी सिम्टम्स होंगे। तो मेन लक्षण क्या है इसके? सबसे पहला है टांगों में, पैरों में बेचैनी। तो कुछ लोग दर्द कहते हैं बट कुछ कुछ लोग सिर्फ बेचैनी बोलेंगे या बोलेंगे कुछ सुनसुनाहट हो रहा है, चींटियां सी चलती हैं, अजीब सी सेंसेशन है जिसको डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। ये बहुत फिक्स टाइम पे आती है। ये आमतौर शाम को आएगी या रात को आएगी जब आप बेड में सोने के लिए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है, इसको आराम मिलता है मूवमेंट के साथ। तो या अपने पैरों बिस्तर में ही लोग पैर हिलाते हैं या उठ के चल पड़ते हैं। तीसरा देखा गया है कि कुछ लोग कपड़े से बांध लेते हैं इसको टाइटली, तब आराम मिलता है। कुछ गर्म पानी में पैर डालते हैं, कुछ ठंडे पानी में पैर डालते हैं। तो लोगों ने कुछ कुछ अपनी अपनी चीज़ें इन्वेंट कर रखी हैं जिससे इनको आराम मिलता है। तो ये है इसके मेन लक्षण। कुछ समय के बाद बीमारी, जिन लोगों को थोड़ी समय बीत जाता है, ये सिम्टम्स दिन में भी आ जाते हैं। जब आप दिन में सोने के लिए जाएंगे तब भी सेम चीज़ आएगी, या आप लंबी फ्लाइट में बैठेंगे, लंबी ट्रेन में बैठेंगे, लंबी ड्राइव में बैठेंगे, तब भी पैरों में कुछ अजीब सी बेचैनी होती है और पैर हिलाने लगते हैं। ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें हमको क्यों इम्पोर्टेंस देना चाहिए? ये नींद में बहुत परेशानी कर सकती है, नींद आने में दिक्कत करती है। कई लोगों की नींद बीच में टूट जाती है, लगता है कि टांगों में कुछ हो रहा है, फिर वो चलते फिरते रहते हैं। तो वाकई में इसका हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, हम इसके लिए ज़रूर इलाज भी है और लोगों की मदद हो सकती है। तो सबसे पहला है देखा जाए कि इसको क्या क्या चीज़ें हैं जो खराब करती हैं। तो अल्कोहल, स्मोकिंग, बहुत सारा चाय कॉफ़ी और कुछ कुछ दवाइयाँ इस चीज़ को खराब कर देती हैं। और पहले तो उनका ध्यान रखा जाए और फिर कुछ जो स्पेसिफिक मेडिकेशन इस बीमारी के लिए हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो वो पर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ, डॉक्टर की गाइडेंस के साथ ही लेनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के दिवस में हम इसकी अवेयरनेस प्रमोट करें। मेरे पास अभी भी बहुत सारे लोग आते हैं जिनको नींद ना आने की प्रॉब्लम है, बट ये एक उसका मेजर कारण है। तो जब तक हम इसको ठीक नहीं करेंगे, नींद भी इम्प्रूव नहीं होगी। तो हम हेल्प कर सकते हैं, हमारी ईमेल्स और वेबसाइट्स में हम अटैच करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको इससे फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिए। अगर लगता है कि किसी और को भी बताना चाहिए इसके बारे में तो आप शेयर भी कर सकते हैं। शुक्रिया और धन्यवाद आपके टाइम के लिए। ये नाम सूरज का लिए। अब हमने इनका सिम्टम देख के गूगल पे सर्च मारा और इनमें न्यूरोलॉजिस्ट सेंटर हमें मिला और डॉक्टर मनवीर भाटिया से हमें मुलाकात हुई। अब मैं जब यहाँ आई, जब से यहाँ डॉक्टर भाटिया के पास आई, जब से मुझे बहुत आराम है। मैं रात भर सोती हूँ, कोई मुझे अब दिक्कत नहीं है। और मैं क्या, मैं जो है, मैं बहुत पहले बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं रोती थी। मेरे बच्चे भी बहुत मेरे पीछे परेशान थे। मेरी लड़की देखी नेट द्वारा पे, गूगल पे, तो मेरी लड़की ने मुझे ली आई यहाँ पे। मैं बहुत अच्छी तरह से अब ठीक हो गई, मैं सोती हूँ, मुझे कोई अब परेशानी नहीं है। डॉक्टर भाटिया की तरफ से मैं थैंक यू बोलना चाहती। ये मेरी बेटी है नियति, इसके पैरों में प्रॉब्लम थी कि दर्द की, तो हमने काफ़ी डॉक्टर को दिखाया, कहीं से भी आराम नहीं आया। फिर स्टीफन में गए, उन्होंने बस पूरे हॉस्पिटल में घुमाए जा रहे थे, कभी कहाँ कभी कहाँ, मगर कहीं से आराम नहीं आया। फिर डॉक्टर सचिन ने यहाँ भेजा, तो यहाँ से बहुत आराम है इसको, और यहाँ पता लगी प्रॉब्लम इससे क्या है, और यहीं से इसको आराम आया। कहीं से आराम नहीं आता ना, इसकी प्रॉब्लम पता चल रही थी, प्रॉब्लम इसको है क्या कुछ समझ ही नहीं आता। उसकी दर्द बहुत ज़्यादा होती थी, अब काफ़ी इसको आराम है। अब कैसा लग रहा है आपको?
पहले कैसा लगता था? अब आराम है जब से आप दवाई ले रही है। ठीक, और थैंक यू सो मच।